नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो कान में हेडफोन डाल लीजिए और डरने के लिए तैयार हो जाइए। रात के 2 बज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था, बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ ही देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधी उसके पास ऑटो के पास आ गई। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये ले लूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी मैं वहां जाकर आपको दे दूंगी। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह वहां पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, मैं साहब थोड़ी देर पहले आया था एक लड़की को लेकर। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, बोला, यहाँ तो कोई नहीं है साहब, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब आई थी उन्हें स्टेशन से घर लेकर। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, देखो फोटो पर माला डली हुई है, यह मेरी पोती है, यह कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे हुए थे। उसने जब नोट उठाए तो वहां बेतहाशा दौड़कर भागने लगा। दिन में ऑटो चलाते हुए वो पागल हो चुका था और रोज ऐसी हरकतें वो करने लगा और लोग उसे पागल कहने लगे। उस दिन के बाद रामदीन एक पागल कहलाने लगा।